झारखंड के देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले मंगलवार को हवाई जहाज की ट्रायल लैंडिंग कराई गई। इंडिगो की पहली फ्लाइट कोलकाता से उड़ान भरकर देवघर एयरपोर्ट पहुंची। 180 यात्री की क्षमता वाली इंडिगो फ्लाइट ने लैंडिंग और टेक ऑफ का ट्रायल किया। ट्रायल के दौरान प्रोविजनल स्लॉट के तहत दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु एयरपोर्ट को देवघर से कनेक्ट किया गया था। बताया जा रहा है कि देवघर से जल्द हवाई सेवा शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। इसका सीधा लाभ बाबा धाम दर्शन के लिए आने वाले लोगों को मिलेगा। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। बता दें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजीव कुमार ने देवघर एयरपोर्ट का निरीक्षण कर पूरी तरह से संतुष्टि जताने के बाद फाइनल ट्रायल के लिए इंडिगो व स्पाइस जेट को प्रस्ताव भेजने का निर्देश इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के रीजनल डायरेक्टर को दिया था। इसके बाद ईमेल के जरिए दोनों एयरलाइंस कंपनियों को सूचित किया गया था। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और कोई खबर है अगर